आप लोग कैमरे वाले इधर इधर है ताकि इधर स्पेस हो जाए। आप लोग इधर आ जाइए। मोबाइल पीछे कर लो। आज पानी दसगा बाबा कौम सैयद अलैहि रहमा के पे हम सब हाजिर हैं। हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह तू इस इदारे की हिफाजत फरमा। मेरे मुल्क अजीम हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह बैनुल अक्वामी सतह पर मजलूमों की गैब से मदद फरमा और जालिमीन को अफल सलीम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही वाले बैतिही अजमईन अजमईन برحمتك يا ارحم الراحمين امين با لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। आप सब लोगों को 206 सालगिरह सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह की सालगिरह पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये साल खैरियत से गुजरे यूनिवर्सिटी के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा और तालबात के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का ताउन और कोऑपरेशन जैसे मिलता रहा है वैसे मिलता रहे और यूनिवर्सिटी में अमन चैन का माहौल रहे। बहुत शुक्रिया। कि सर सैयद अहमद खान का आज 206वां योम विलादत है और ये सिर्फ अलीगढ़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर सैयद ने जिस इदारे को 1875 में एक छोटे से इदारे को से आगाज किया वो एक पूरी आलमी तहरीक बन चुकी है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां अलीगेरियन ना हो। और वो सबसे ज्यादा अगर अकीदत से किसी चीज को बनाते हो तो सर सैयद डे बनाते हैं। तो सर सैयद डे की अहमियत हमारी नज़र में ये भी है कि हमारे बानी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को खासतौर से एक पैगाम दिया, एक तहरीक दी। उस तहरीक को जिंदा रखना जो है उसको रवा दवा रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग सर सैयद के दिन योम सर सैयद पर डिनर का अहतमाम करते हैं और डिनर का अहतमाम होना चाहिए याद का एक तरीका ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो फिक्र है, उनका जो अमल है, उनका तरीका कार है, उसको भी कभी ना कभी एक दिन उसको भी याद करें और उसको अपनाने की कोशिश करें। मेरी नज़र में यही सर सैयद को सबसे बड़ा खराज के दर्द होगा। सर सैयद ने कहा था यहाँ पर इसी जगह जब 8 जनवरी 1877 को इसका संग बुनियाद रखा था कि हम जो एक छोटा सा दरख्त लगा रहे हैं ये एक बड़ा शजर बनेगा, बड़ के पेड़ की तरह इसकी शाखें खिलेंगी, मुख्तलिफ किस्म की पूरी दुनिया में फैलेंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद का वो ख्वाब जो उन्होंने 8 जनवरी 1877 को इसी स्टेची हॉल के संग बुनियाद के मौके पर कहा था वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हुआ है। और बड़ी तादाद में अलीगढ़ के ओल्ड बॉय ने इदारा साजी के ऊपर भी तवज्जो दी है, यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं, सेंटर्स भी बनाई हैं और कॉलेजेस भी बनाए हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। अलीगढ़ से लेकर अक़वामे मुत्तहिदा तक अलीगढ़ ने नुमाइंदगी की है, हिंदुस्तान की सदारत तक और दूसरे मुल्कों की सरबराही तक। तो अलीगढ़ का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर फील्ड के अंदर। उस फील्ड को उजागर किया जाना चाहिए और लोगों के सामने लाने चाहिए।